इन साथियों स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस पे सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये सेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। सभी साथी दोस्तों ऐप को डाउनलोड कर लें, सेल्फ स्टडी क्लासेस का जो ऐप है बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों ये जो ऐप है आपके लिए सेल्फ स्टडी क्लासेस का लॉन्च किया गया है। आप सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी दोस्तों टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर भी लॉन्च होने वाले हैं, है ना। तो आप सभी के लिए सेल्फ स्टडी क्लासेस बहुत ही उपयोगी होने वाला है। रवि शंकर जी, विजय शंकर जी, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों लाइक करें और जिनको भी एडमिशन लेना मात्र 1500 रुपए में आप एडमिशन ले सकते हैं। 1500 रुपए 12 महीने हिंदी साहित्य पढ़ने का बहुत ही मस्त मौका है। LT, TGT, PGT, मास्टर कैडर, NBS, KBS आदि एग्जामों के लिए हिंदी साहित्य में बिल्कुल भी नहीं चूकना, ठीक है। और जो भी हमारे साथी हैं जिनको भी हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के नोट्स मंगवाना है, सो दोस्तों ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। कई पुस्तकों का निचोड़ बनाया गया है, क्रमबद्ध टॉपिक भी है, ट्रिक भी है दोस्तों, ठीक है। आपको संपर्क करना, ये नंबर दिया, संपर्क कर सकते हो और ये नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते हो, ठीक है। और ये TGT PGT का कोर्स है ये वाला, इस कोर्स में आप सभी एडमिशन ले सकते हो दोस्तों। ये ऐप में जाकर के ट्रेंडिंग पर है ये कोर्स दोस्तों, ट्रेंडिंग पर चल रहा है TGT PGT का, ठीक है। और इसमें मात्र 1500 रुपए में कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सभी साथी दोस्तों इसकी 1500 फीस इसीलिए रखी गई है ताकि सभी साथी इस कोर्स से जुड़ सके, ठीक है। आपसे 5000-7000 फीस नहीं वसूली जा रही यहाँ पर दोस्तों, इतनी फीस वसूली जा रही है कि जो नाम मात्र आपको भी लगेगा कि इतना खर्च तो सर ने किया है, इतना तो दोस्तों पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, जिनको भी एडमिशन लेना आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब दोस्तों यहाँ पर अपना कहानी चल रहा है, कहानी का ये दूसरा पार्ट है। कौन तार से बीनी चंदरिया कहानी के लेखक है, कौन तार से बीनी चंदरिया ये बताइए। माहेश्वर माहिप से बनी चंदरिया ये भी बताना है, जल्दी से बताइए। ममता रानी जी चयन करिए, 51 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से और अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। ये नंबर ए बताना है, ये कहानी किसकी है, एक कहानी बतानी है, सभी लोग बताइए। और आपका उत्तर चला गया कि सर ये कहानी जो है रमेश चंद्र शाह की कहानी है, डी नंबर आपका सही चला गया, डी नंबर, ठीक है। अंधेरी गली का रास्ता, अंधेरी गली का रास्ता, नई नई कहानियां आपको यहां पर देखने को मिल रही है। सुमन यादव जी बताइए, अंधेरी गली का रास्ता कहानी के लेखक कौन है, भगवती चरण वर्मा, हृदेश, रमेश चंद्र शाह या फिर गोविंद मिश्र। चयन करिए और शेयर भी कर दीजिए एक बार 52 नंबर के क्वेश्चन में, 52 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, अंधेरी गली का रास्ता। और सर अंधेरी गली का रास्ता तो हमारे हृदय में विराजमान हो चुका है। अंधेरी गली का रास्ता कहां है, बोले हमारे हृदय में विराजमान, हृदय में समा गया है। तो अंधेरी गली का रास्ता ये पूछा गया है आपसे, आपका उत्तर चला गया बी नंबर, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। तो उत्तर होगा बी नंबर, अंधेरी गली का रास्ता, हृदेश, बी नंबर आपका सही है। दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी इसके लेखक कौन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सुनीता जी, दीपिका जी, सभी लोग बताएंगे, लाइक जरूर कर देना। दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी के कहानीकार कौन है, विनोद जी। 53 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 53 में दुनिया की सबसे हसीन औरत कैसी है, निर्जीव नहीं है, क्या है, बोले सर संजीव है, संजीव है, अभी निर्जीव नहीं है। दुनिया की सबसे हसीन औरत संजीव है, है ना। तो आपका उत्तर सी की तरफ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अमरदीप जी, सीप नंबर, दुनिया की सबसे हसीन औरत, त्रिया जन्म, त्रिया जन्म कहानी के लेखक कौन है, 54 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले इन कहानियों को शायद ही आपने दोस्तों कभी पढ़ा हो, लेकिन अगर पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, और नहीं पढ़ा है तो और बढ़िया, नई चीज आप सीख रहे हो। तो त्रिया जन्म, त्रिया का जन्म बताना है, अच्छा क्वेश्चन है। मिथिलेश्वर राकेश वत्स सानी या फिर बहादुर हुसैन रिजवी, चयन करिए, राइट आंसर बताना है। त्रिया जन्म 54 नंबर का क्वेश्चन है, 54 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। और आपका उत्तर जा रहा कि सर त्रिया जन्म, है ना, त्रिया का जन्म हुआ है काय के लिए, बोले सानी 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 करने के लिए, गाना नहीं बना सानी सानी सानी, ओहो सानी सानी सानी, ठीक है। तो 54 नंबर का क्वेश्चन आपका उत्तर हो गया, और सर त्रिया का जन्म हुआ है सानी सानी करने के लिए, सी नंबर, ठीक है।
चार मेहराबों वाली दालान, चार मेहराबों वाली दालान, बहुत बढ़िया। 55 नंबर का क्वेश्चन है, 55 में बताना है, सभी लोग बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सभी से बनना चाहिए, क्वेश्चन पूछा भी गया। कुबेर मांझी जी, नीतू गुप्ता, परमिंदर जी, बताइए चार मेहराबों वाली दालान इस कहानी के रचनाकार कौन है? मनीषा जी, निरंतर नए नए प्रश्नों के साथ दोस्तों अपनी क्लास यहां पर चल रही है। चार मेहराबों वाली दालान इस कहानी के कहानीकार कौन है? क्वेश्चन अच्छा है, आज दिल पानी 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 है ना, यहां पर आपका उत्तर चला गया कि सर चार मेहराबों वाली दालान में बैठते हैं कौन? बादशाह। बादशाह कहां बैठते हैं? चार मेहराबों वाली दालान में। तो बादशाह हुसैन रिजवी, रिजवी यानी बी नंबर आपका सही है, बादशाह हुसैन रिजवी। लोग हासिए पर, लोग हासिए पर कहानी के लेखक कौन है बताइए? 56 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग चयन करिएगा, बताएं जल्दी से, है ना। बोले लोग हंसिए पर धीरे धीरे, तेज तेज नहीं, लोग हंसिए पर तेज तेज नहीं, कैसे कैसे? धीरे धीरे। तो धीरेन्द्र अस्थाना, धीरेन्द्र अस्थाना सी नंबर। लोग हंसिए, हंसिए पर है, लोग हंसिए पर धीरे धीरे, धीरेन्द्र अस्थाना सी नंबर। बहुत बढ़िया। अतिथि देवो भाव, कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। 57 नंबर के क्वेश्चन में चयन करना है, देखते हैं कौन कौन बता रहा है। क्वेश्चन अतिथि देवो भाव पूछा गया है, ये कहानी पूछी गई है, अतिथि देवो भाव। कहानी के कहानीकार कौन है? ममता रानी जी, मास्टर अधिगम जी, आस्था सिंह जी, रितेश जी, और आपको पता है, बताइए यदि से पुष्पा जी, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, हरमिंदर जी, और जिनको भी एडमिशन लेना है मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं, 12 महीने की वैलिडिटी है, 1500 एक महीने के नहीं, ये 12 महीने के लिए जा रहे हैं आपसे, ठीक है। अतिथि देवो भाव, अब्दुल बिस्मिल्लाह, अब्दुल बिस्मिल्लाह यानी बी नंबर। आपने देखा होगा दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते आप लोग, जब भी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई अतिथि आता है तो अतिथि देवो भाव ये स्वागत सबसे पहले कौन करता है? अब्दुल करता ना, अब्दुल करता ना, अब्दुल लेके आता अतिथियों को, बोले जेठालाल के अतिथि आए हैं, है ना, तारक मेहता के अतिथि आए तो कौन लेके आएगा? अब्दुल लेके आता है। तो अतिथि देवो भाव कौन करता है सबसे पहले? तारक मेहता का उल्टा चश्मा सभी लोग देखते होंगे, बोले अब्दुल करता है सर। तो अतिथि देवो भाव, अब्दुल बिस्मिल्लाह, बी नंबर, बी नंबर सही है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे, यहां पर पूरा सन्नाटा, पूरा सन्नाटा कहानी के लेखक कौन? 58 नंबर का क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर देना एक बार, शेयर कर दिया कर, अपने साथियों को भी लेकर के आना है। यहां पर पूरा सन्नाटा कहानी के लेखक कौन है? लेखक बताइए। हाँ, दुकान वाला अब्दुल, बहुत बढ़िया आनंद जी। पूरा सन्नाटा, पूरा सन्नाटा कहानी के लेखक कौन है? चयन करिए जल्दी से, बताइए दोस्तों फटाक से। भीमसेन त्यागी, और उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, चयन करिए सिया जी। पूरा सन्नाटा कहानी के लेखक, पूरा सन्नाटा बताओ, 58 नंबर का क्वेश्चन है, और सही आंसर हो जाएगा कि सर पूरा सन्नाटा मधु। बोले सर मधु जैसे ही आती है और पूरा सन्नाटा छा जाता है, मधु, मधु अपन को याद कर लेना, मधुमक्खी, मधुकर, मधुकर से अपन को याद कर लेना, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, मधुकर से, ठीक है, बहुत बढ़िया। मोहनदास कहानी के लेखक कौन है? मोहनदास, मोहनदास 59 नंबर का क्वेश्चन है, मोहनदास की कहानी किसकी है? पूनम सैनी जी, बताइए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, माया राम जी सभी लोग शेयर कर दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोहनदास कहानी, ये मोहनदास कहानी के लेखक कौन है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर दोस्तों, बहुत ही सुंदर मोहनदास कहानी, इसके लेखक कौन है बताएं? सुमन ऑफिशियल जी, 59 नंबर का क्वेश्चन है, और सभी लोग बिल्कुल सही आंसर में टिक लगा रहे हैं कि सर ये जो मोहनदास का क्या हुआ है, उदय, उदय हुआ है, उदय प्रकाश, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास का उदय, तो उदय प्रकाश लगा दो, बी नंबर बिल्कुल सही लगाए आप लोगों ने। कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है? 60 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है? प्रीति जी बताइए, हरिओम जी, कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है बताएं? दरियाई घोड़ा, तिरछ, केसर कस्तूरी, या फिर पाल गोमरा का स्कूटर? कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है? निरंतर अभ्यास पे अभ्यास, सेल्फ स्टडी क्लासेस में, ठीक है, कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है? 60 नंबर का क्वेश्चन है,
उत्तर जा रहा कि सर दरियाई घोड़ा तो है, तिरिच कहानी भी है ना, पाल गुमरा के स्कूटर का उदय हुआ ये भी है, लेकिन कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, ये केसर कस्तूरी नहीं है। आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही चला गया, तिरिच तो है, तिरिच है, दरियाई घोड़ा भी है, पाल गुमरा का स्कूटर का उदय हुआ कई बार याद करवाया, त्रासदी माई फुट कहानी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, त्रासदी माई फुट आपने देखा होगा फिल्मों में, है ना, बोले फलाने दिखाने माई फुट, ठीक है। बताइए श्याम प्रकाश, रमेश उपाध्याय, योगेश गुप्त या फिर शिवमूर्ति, 61 नंबर का क्वेश्चन है। 61 नंबर के क्वेश्चन में चयन करने के लिए अगर आपको कहा गया है तो कौन बता रहा सबसे पहले, बताइए श्वेता, श्वेता जी, त्रासदी माई फुट ये कहानी किसकी है, ये कहानी चयन करनी, योगेश गुप्त की या रमेश उपाध्याय की। और अजय जी ने उत्तर बताया कि सर त्रासदी माई फुट ये रमेश उपाध्याय की कहानी है, रमेश उपाध्याय यानी बी नंबर आपका सही है, यहां पर रमेश उपाध्याय बी नंबर राइट, बहुत बढ़िया। बारेन हेस्टिंग्स का सांड, इस कहानी 62 नंबर का क्वेश्चन है, चयन करना, वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों, इतना अच्छा सेशन आप लोगों के लिए रोज लाया जाता है ना, जिनको भी एडमिशन लेना है दीपिका शुक्ला जी वो दोस्तों सभी साथी है ना सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़ जाएं। बारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी के लेखक कौन है, स्वयं प्रकाश है, शिवमूर्ति है, उदय प्रकाश या फिर योगेश गुप्त है, और आपका उत्तर जा रहा है कि सर बारेन हेस्टिंग्स का सांड, यानी कि उत्तर है आपका बारेन हेस्टिंग्स के सांड का क्या हुआ, बोले सर उदय हुआ है, उदय हुआ तो आपका उत्तर उदय प्रकाश, बारेन हेस्टिंग्स के सांड का उदय हुआ, सी नंबर राइट आंसर है। कहानियों को पढ़ते जाना है, ये कहानी दोस्तों उदय प्रकाश की है, ठीक है। आदमी जात का आदमी, आदमी जात का आदमी 63 नंबर के क्वेश्चन में, 63 में बताना है। वैसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया, सभी साथी ऐप डाउनलोड कर लें। आदमी जात का आदमी कहानी के लेखक कौन है, आदमी जात का आदमी स्वयं प्रकाश है, नरेंद्र कोयली है, योगेश कुमार है या फिर उदय प्रकाश है दोस्तों, आदमी जात का आदमी, बहुत बढ़िया। 63 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं, और 63 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर चला गया कि सर आदमी जात का आदमी तो स्वयं प्रकाश कर लेता है, इसको जरूरत नहीं किसी की, आदमी जात का आदमी क्या कर लेता है, स्वयं प्रकाश कर लेता है, स्वयं प्रकाश, तो ये स्वयं प्रकाश की कहानी है, आदमी स्वयं प्रकाश कर लेता है, आदमी जात का आदमी, ठीक है। तब आपका उत्तर कहां चला जाएगा, ए नंबर, ए नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है केसर कस्तूरी, केसर कस्तूरी कहानी के लेखक कौन है, केसर कस्तूरी, योगेश कुमार, योगेश गुप्त, शिवमूर्ति या फिर बटरोही, 64 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे, 64 का आंसर क्या जा रहा है, 64 में केसर कस्तूरी ये कहानी किसकी है, केसर कस्तूरी, केसर कस्तूरी बताना है। सुभाष जी बताइए, सुभाष चंद्र जी, पुष्पा सरोज जी, राइट आंसर जा रहा कि सर केसर कस्तूरी, शिवमूर्ति, शिवमूर्ति यानी कि सी नंबर, सी नंबर, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये आपका सी सही है। जिनको भी एडमिशन लेना है मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हो दोस्तों, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, दुखिया दास कबीर, दुखिया दास कबीर 65 नंबर का क्वेश्चन है, दुखिया दास कबीर, बहुत ही बढ़िया, नए नए प्रश्नों का संकलन, नई नई कहानियां, बहुत ही महत्वपूर्ण। दुखिया दास कबीर कहानी के लेखक कौन है, चयन करिए, चंद्रकिशोर जायसवाल, भिमरेश त्रिपाठी, रामदेव शुक्ल या फिर शालिग्राम शुक्ल, 65 नंबर में। अनीता जी बताइए, ममता जी, कुमकुम यादव जी, 65 नंबर का क्वेश्चन है, दुखिया दास कबीर, बोले सर दुखिया दास कबीर, जायसवाल, जायसवाल, ठीक है, तो ये चंद्रकिशोर जायसवाल की कहानी है, दुखिया दास कबीर, दुखिया दास कबीर कहानी के लेखक कौन है, तो आपका उत्तर है चंद्रकिशोर जायसवाल, ठीक है, आंसर हो जाएगा ये नंबर। इनको आपको अच्छे से पकड़ते जाना है, दोबारा में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, चंद्रकिशोर जायसवाल, दुखिया दास कबीर, ठीक है, याद कर लेना। काला हंस कहानी, काला हंस बताइए, 66 नंबर के क्वेश्चन में, काला हंस में सभी लोग बता दो, दोनों विकल्प में से ही बता दो, काला हंस, काला हंस बताइए, जसमेल जी, नेहा कुमारी जी, बिंदु लता जी, कुबेर जी, बताएं,
संजय पाठक जी काला हंस बोले सर एक बार हमारी साली साली काला हंस लेके आ गई। काला हंस लेके आ गई कौन? साली कहां से? ग्राम से। तो सालीग्राम शुक्ल, सालीग्राम शुक्ल की कहानी है कौन सी? काला हंस। काला हंस लेके आ गई कौन? साली। साली से क्या बनेगा? सालीग्राम शुक्ल की कहानी है काला हंस, याद कर लेना है ना। साली से बोलना सफेद हंस लेकर आओ, काला नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, अगला है नीलाम घर कहानी, 67 नंबर में नीलाम घर। नीलाम घर बताइए, रामदेव शुक्ल है, नरेंद्र नागदेव, रामदास मिश्र है, यहाँ पे नवनीत मिश्र है। नीलाम घर, नीलाम हो गया घर। अनुज कुमार जी 67 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर बताना है, 67 में नीलाम घर बताइए, चयन करिए फटाफट से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बोले सर रामदेव बाबा की, रामदेव की चक्कर में अगर पड़ जाए तो घर भी नीलाम हो जाएगा। नीलाम घर, नीलाम घर अपन को याद कर लेना। रामदेव याद रखो, रामदेव शुक्ल, ठीक है, रामदेव शुक्ल है ये नंबर, ठीक है, रामदेव नीलाम घर याद करो, नीलाम घर करना है, ठीक है। तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। उसी नाव में सैलानी, उसी नाव में सैलानी कहानी के लेखक कौन है? 68 नंबर का क्वेश्चन है, राजीव जी बताइए जल्दी से, चयन करिए प्रेम जी, अस्मित ठाकुर जी। उसी नाव में सैलानी, उसी नाव में सैलानी 68 नंबर में, सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या है। मैंने आपको कई बार बताया है कि उसी नाव में नागदेव और उसी नाव में सैलानी, उसी नाव में सैलानी, उसी नाव में सैलानी बैठे हैं और उसी नाव में नागदेव, फिर नरेंद्र नागदेव, इनकी कहानी है कौन सी? उसी नाव में सैलानी और उसी नाव में नागदेव, ठीक है। उत्तर कहां चला जाएगा? सी की तरफ चला जाएगा। बोले सर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, राज यादव जी, दारसू जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, तस्बीह कहानी के लेखक कौन है? तस्बीह कहानी रामदेव शुक्ल की है, नवनीत मिश्र, मंजू रहते साम या राजीव कुमार का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पार्वती जी, सुषमा जी, रंजीत जी, चयन करिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। तस्बीह कहानी के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, तस्बीह है, तस्बीह बताइए इस कहानी के लेखक, चयन करिए मोहित जी। 69 नंबर के क्वेश्चन में पसीने छूट रहे होंगे, नई नई कहानियां हैं, शायद ही पहले कहीं पढ़ी हो, है ना। 69 नंबर का क्वेश्चन है और बोले सर तस्बीह है ना, तस्बीह है, मंजूर है, तस्बीह क्या है? मंजूर। तो मंजूर रहते शाम, ठीक है, ये तस्बीह कहानी है मंजूर रहते शाम की, सी नंबर आपका सही हो गया, वेरी गुड। शिल्पा जी, ठीक है, अनुज जी, राज यादव जी, मंजूर है, तस्बीह है, ठीक है। गंधर्व गाथा, गंधर्व गाथा कहानी की लेखिका कौन है? गंधर्व गाथा बताइए दोस्तों, नई कहानियों का बहुत ही बढ़िया संकलन है ना, पढ़ते जाइए, अध्ययन करते जाइए, निरंतर प्रैक्टिस करिए दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस लाया है आप सभी के लिए, प्रैक्टिस का खजाना, प्रैक्टिस का खजाना। गंधर्व गाथा बता दीजिए जल्दी से, गंधर्व की गाथा 70 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बता रहे हैं कि सर ये गंधर्व की गाथा कुलश्रेष्ठ, कुलश्रेष्ठ अपन को याद करना है, ठीक है। तो ये मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानी है, कौन सी? गंधर्व गाथा, गंधर्व गाथा, ठीक है, गंधर्वों की गाथा कुल के श्रेष्ठ कहा सुनाते हैं, कुलश्रेष्ठ सुनाते हैं, ठीक है, ये याद करना, ठीक है। कामरेड का कोट कहानी संग्रह के लेखक कौन है? कामरेड का कोट तो कई बार पढ़ा है आपने, पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। 71 नंबर के क्वेश्चन में सही बता दीजिए, कामरेड का कोट, मैंने ट्रिक भी बताई इसकी कई बार आप लोगों को। आनंद जी, आरुषि जी, सभी लोग चयन करिए, वीडियो को लाइक भी कर दो एक बार। रोज चलता है रात्रि 9 बजे, ठीक है। तो कामरेड के कोट का क्या करना है? बोले सर संजय करना है, संजय करना है, तो संजय यानी सी नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी से बना। हरिहर काका तथा अन्य कहानियां संग्रह, ये बताइए हरिहर काका तथा अन्य कहानियां, ये किसका संग्रह है? हरिहर काका तथा अन्य कहानियां, शानी, उदय प्रकाश, मिथिलेश्वर या फिर जय नंदन? हरिहर काका तथा अन्य कहानियां, ममता जी बताइए। 72 नंबर के क्वेश्चन में हरिहर काका तथा अन्य कहानियां बताइए। बोले सर हरिहर काका मेथी बहुत खाते हैं, हरिहर काका क्या खाते हैं? मेथी खाते हैं, मेथी, तो मेथी से क्या बनेगा?
मेथी से क्या बनेगा बताइए, मेथी से क्या बनेगा, हरिहर काका मेथी खाते हैं, तो मेथी से आपका उत्तर हो जाएगा मिथिलेश्वर। ये कहानी मिथिलेश्वर की है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर महुआ घटबारेन, महुआ घटबारेन कहानी, महुआ घटबारेन तो बताए, महुआ घटबारेन कुबेर जी बीनू जी चक्रा रहा है ना सर, महुआ घटबारेन पंकज सुबीर अजय नावरिया मनोज सोनकर या फिर शैलेंद्र कुमार, अभी तक आपने वही पढ़ा था है ना, किशोरी लाल गोस्वामी वृंदावन लाल वर्मा प्रेमचंद यही बस पढ़ा था। अब देखो नए नए कहानीकारों के बारे में भी अपन को पढ़ना है। महुआ घटबारेन कहानी के लेखक कौन है, 73 का क्वेश्चन है और उत्तर आपका उत्तर जा रहा है कि सर महुआ, महुआ घटबारेन सुबीर, सुबीर याद कर लेना, पंकज सुबीर, पंकज सुबीर यानी ए नंबर, ठीक है। पंकज सब सुबीर की ये दोस्तों कहानी संग्रह है सिक्का बदल गया, 74 नंबर, बीच बीच में एक क्वेश्चन आपके पसंद का भी आ जाता है, सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया आ गया, तो सिक्का बदल गया चयन चयन करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिक्का बदल गया बहुत ही बढ़िया, वीडियो को लाइक करिए। 74 नंबर के क्वेश्चन में 74 का उत्तर बताना है दोस्तों, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि सिक्का बदल गया और कृष्णा सोती रही, है ना, बोले सर कृष्णा सोती रही और सिक्का बदल गया, भारत पाक विभाजन पर आधारित दोस्तों ये कहानी है, ठीक है, कौन सी, सिक्का बदल गया, ठीक है, बोले भारत और पाक का सिक्का बदल गया और कृष्णा सोती रही, कृष्णा सोती, बी नंबर, ठीक है। एक प्लेट सैलाब किसका कहानी संग्रह है, एक प्लेट सैलाब बताओ, कृष्णा सोती, उषा प्रेमबदा, मन्नू भंडारी या ममता कालिया, मैंने कई बार आपको याद भी करवाया, एक प्लेट सलाद, एक प्लेट सैलाब, अयांश जी बोले सर भंडारे में गए थे, एक प्लेट सलाद, एक प्लेट सलाद मिली थी भंडारे में गए, कितनी सलाद मिली, एक प्लेट, भंडारे भंडारे, तो एक प्लेट सलाद मिली, सलाद कहां कर गए थे, मन्नू भंडारी, ए सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, वापसी कहानी की लेखिका कौन है, सरल क्वेश्चन बहुत बढ़िया, वापसी कहानी 76 नंबर में वापसी कर लो फिर, है ना, वापसी कर लिया अपन ने भी, रुद्र जी बताइए जल्दी, राजरानी जी, तान्या जी, 76 नंबर के क्वेश्चन में वापसी कहानी की लेखिका, और लगभग सभी को पता है कि सर उषा में हम वापसी कर लेंगे, उषा में क्या करेंगे वापसी, ठीक है, तो उषा से क्या हो जाएगा, उषा प्रेमबदा, उषा में हम वापसी कर लेंगे, बोले वापसी कब होगी उषा में, ठीक है। हरी बिंदी, हरी बिंदी बताओ, हरी बिंदी कैसी लगती है, 77 नंबर, हरी बिंदी किसकी कहानी है, हरी बिंदी कहानी के कहानीकार बताना है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, 77 नंबर का क्वेश्चन है, लाइक कर दो, हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैत्री पुष्पा की, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमबदा, मन्नू भंडारी, तो आपको बताया कि सर हरी बिंदी बड़ी मृदुल मृदुल लगती है, मृदुल मृदुल लगती है, तो मृदुला गर्ग आपका सही उत्तर है, बी नंबर आपका राइट आंसर है, हरी बिंदी कैसी लगती है, मृदुल लगती है, मृदुला गर्ग। सफेद कौआ कहानी की लेखिका कौन है, सफेद कौआ 78 नंबर के क्वेश्चन में, सफेद कौआ बताइए, मणिका मोहिनी, मंजुल भगत, राजी सेठ, चित्रा मुदगल, सफेद कौआ आपको बताना है जल्दी से बताइए, वीडियो को लाइक करिए। 10 करना है दोस्तों, सफेद कौआ, सफेद कौआ क्या करता है, बोले सर सफेद कौआ आप लोगों ने देखा सफेद कौआ कि नहीं देखा, 78 नंबर के क्वेश्चन में, सभी को पता है कि सर सफेद कौआ भगत गाता है, भगत गाता है, अपन पढ़ते ना, करें भगत हो आरती मैया दोई बीर, ये सफेद कौआ भगत गाता है, जानवर भी दोस्तों धर्म करते, आपने देखा होगा कई कई देखा होगा कि बोले सांप भगवान के आके है ना शंकर जी के पास आता है, कई ऐसी अपन दोस्तों अच्छे पूर्ण बातें पढ़ते हैं देखते हैं, तो यहाँ पर सफेद कौआ बोले सर ये भी भगत गाता है, भगवान का भजन करता है ना, तो बी नंबर आपका सही है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, 79 नंबर के क्वेश्चन में, कीर्ति जी चयन करिए, शेयर जरूर कर दीजिए फटाफट से, शेयर करना है, 79 नंबर का क्वेश्चन है, और दोस्तों ये सेशन रोज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है इसमें, तो आपको बताना है कि जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, बोले उनका चित्र का अनावरण, अपन बोलते हैं ना जगदम्बा बाबू आ रहे चित्र का अनावरण करने, है ना, बड़े बड़े अतिथि आते हैं, जैसे बोले कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं चित्र का अनावरण करेंगे, ऐसे ही जगदम्बा बाबू आ रहे हैं बोले चित्र का अनावरण करेंगे, चित्र जो चित्र का क्या हो जाएगा, चित्रा मुदगल, चित्र का अनावरण करने के लिए कौन आ रहा है, जगदम्बा बाबू,
है ना, ऐसे बता रहे, बोले जगदम्बा बाबू आ रहे हैं। काय के लिए आ रहा है भैया? चित्र का अनावरण करने, तो चित्रा मुद्गल तीन नंबर, ठीक है। एक स्त्री का विदागीत, एक स्त्री का विदागीत 80 नंबर का क्वेश्चन है, चयन करिए। राजी सेठ, मंजुल भगत, मृणाल पांडे, ममता कालिया, दोस्तों जुड़े रहिए, जुड़े रहिए सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस से, ठीक है। बिल्कुल, लेव ना देव देख तो लेव, है ना, लेव ना देव देख तो लेव। एक स्त्री का विदागीत कहानी की लेखिका कौन है? 80 नंबर का क्वेश्चन है। 80 नंबर के क्वेश्चन में एक स्त्री का विदागीत बताइए, चयन करिए। 80 में चयन करना है, और सभी लोगों का आंसर आ रहा है कि सर ये मृणाल पांडे की कहानी है, एक स्त्री का विदागीत, मृणाल पांडे ने गाया। बोले सर स्त्री का विदागीत सी नंबर, बहुत बढ़िया। ढाई आकर प्रेम का, है ना, ये अपन ने पढ़ा था ना कि पोती पड़ पड़ जग मुआ और पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम के पड़े शो पंडित होई, है ना, ढाई आकर प्रेम का ये कहानी लिख दी किसी ने, कहानी लिख दी भाई साहब, बताना है अपन को। 81 नंबर का क्वेश्चन है, और ये कहानी किसने लिखी होगी बताइए। बोले सर प्रेम की बात मत करो, ढाई आकर ढाई अक्षर प्रेम के, इसमें क्या? बोले सर मोहिनी हो जाते हैं, है ना, मणिका मोहिनी, अपन को याद है, ढाई अक्षर प्रेम के मोह लेते हैं, है ना, मोह लेते हैं, मोह लेते कि नहीं? अगर कोई आपसे प्रेम से दो बातें कर दे तो आपको कितना अच्छा लगता है? बोले ऐसा लगता है कि सर एक बार और कर दे प्रेम से, है ना, तो याद कर लेना। बोले ये ढाई अक्षर प्रेम के मोह लेते हैं, मोहिनी, मोहिनी याद कर लेना, मणिका मोहिनी, है ना। बी नंबर आपका सही है, ये कहानी संग्रह मणिका मोहिनी। काला शुक्रवार कहानी की लेखिका कौन है? 82 नंबर का क्वेश्चन है, दोस्तों आपको याद रख लेना, है ना। प्रेम भी आपको प्रेम से अगर किसी से बात कर लो अच्छे से, ठीक है, तो उसका उसको भी अच्छा लगता है, बोले यार देखो कितने अच्छे से बोलते यहां के लोग, है ना। ऐसा नहीं है कि प्रेम एक ही होता है, बोले प्रेमिका और प्रेमी वाला प्रेम, ऐसा नहीं है। प्रेम से आप किसी से बात तो कर लो, ऐसा नहीं कि कबीर जी ने ये कहा है कि ढाई आकर प्रेम के बड़े पड़े छो, ये प्रेम मतलब प्रेम की बात कर लो, प्रेम से बोलो, है ना, प्रेम से दोस्तों किसी को देखो, घृणा से मत देखो। ऐसा नहीं किया कि बोले सर प्रेमी और प्रेमिका वाला प्रेम, वो तो है, बाकी प्रेम मतलब होता है कि प्रेम, है ना, प्रेम से देखो इस संसार को, प्रेम से बातें करो, गुस्सा से नहीं करो, एक आए कबीर जी ने, ठीक है। तो आपका काला शुक्रवार कहानी की लेखिका, काला शुक्रवार 82 नंबर का क्वेश्चन है, और 82 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर सुधा अरोड़ा। बोले सर काला शुक्रवार रोड़ा बन गया, रोड़ा, तो अरोड़ा यहां पर सी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना, या सुधा बन गया, अमृत भी बन गया, ऐसे भी याद कर सकते हो। बिना छत का मकान कहानी की लेखिका कौन है? सभी लोग चयन करिए फटाफट से। बिल्कुल विनोद कुमार जी, आपका नाम क्यों नहीं लेंगे भैया कुबेर जी, यहाँ हर व्यक्ति का नाम लिया जाता है। बीनू जी, नेहा जी, रजनी जी, शिल्पा, शिव शुक्ला जी, बिना छत का मकान कहानी की लेखिका कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, शेयर करते रहिए दोस्तों, इस सेशन से आप लोगों को जुड़े रहना है, है ना, यहाँ पर आपका ही भला होने वाला है। उत्तर है कि सर बिना छत वाला मकान, है ना, कौन सा? इंदी, इंदुबाली, इंदुबाली का बिना छत वाला मकान है, इंदुबाली, ठीक है। बिना छत वाले के मकान से इंदु की बाली गिर गई, बिना छत वाले मकान से क्या गिर गई, ऐसे भी आपका इंदु की बाली गिर गई, इंदु की बाली, तो इंदुबाली यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे कहानी का, तो बोले सर रट्टा मारेंगे हम, जिंदा आदमी बताइए, जिंदा आदमी, ये कहानी संग्रह किसका है? 84 नंबर के क्वेश्चन में जिंदा आदमी का चयन करिए, जिंदा है आदमी, बोले सर पता नहीं क्यों जिंदा है, है ना, तो चयन करिए। चंद्रकांता, कृष्णा अग्निहोत्री, मालती जोशी, इतना बढ़िया बढ़िया सेशन अपना चलता है, इतने बढ़िया सेशन अपन दोस्तों पढ़ते हैं यहाँ पर। जिंदा आदमी कहानी संग्रह के जो लेखक हैं, वो लेखक कौन है? चंद्रकांता है, कृष्णा अग्निहोत्री है, मालती जोशी है, मृदुला गर्ग है, चयन करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 84 नंबर के क्वेश्चन में जिंदा आदमी कहानी संग्रह, और सभी लोग बताइए जल्दी से, जिंदा आदमी, जिंदा आदमी आपसे पूछा गया, और सभी लोग लगा रहे कि सर 84 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर एक कृष्णा अग्निहोत्री, ठीक है, एक कृष्ण की पूजा करता है जिंदा आदमी, है ना, कृष्णा अग्निहोत्री बी नंबर, जिंदा आदमी अपन को याद रख लेना। अलमा कबूतर देखो, अलमा कबूतर कहानी संग्रह किसने लिखा? 85 नंबर का क्वेश्चन है, अलमा कबूतर आपको बताना है, अलमा कबूतर तो मैंने आपसे बताइए है, अलमा कबूतर बताइए,
बिल्कुल वंदना जी आपका भी नाम ले लिया है ना, सुनीता जी, सत्य प्रकाश जी, सत्य त्रिपाठी जी, अलमा कबूतरी कहानी संग्रह, ये किसने लिखा है ये बताना है, चयन करिए और शेयर कर दीजिए। और आपको पता कि सर एक अलमा कबूतर ये उत्तर हो जाएगा मैत्री पुष्पा, मैत्री पुष्पा बी नंबर कहानी संग्रह। दूसरा ताजमहल बताओ, बोले पहला ताजमहल ऐसा बना है, दूसरा ताजमहल ऐसा बनाएंगे जिसका कोई सिरा ना हो, ना सिरा, फिर उसे सब लोग कहेंगे ना सिरा, ऐसा ताजमहल है दूसरा ताजमहल कि ना सिरा, ना सिरा, यानी 86 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर चला जाएगा कि दूसरे ताजमहल का ना सिरा होगा और ये आपका ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर राइट आंसर, बहुत बढ़िया। नील गाय की आंखें ये कहानी संग्रह, नीलगाय 87 नंबर के क्वेश्चन में। अनीता जी वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये सेशन दोस्तों आप लोगों के लिए, हिंदी साहित्य वालों के लिए रोज लाया जाता है। अब आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है तो मात्र 1500 रुपए में एक साल के लिए एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपके लिए डेली टेस्ट सीरीज भी करवाई जाती है 100 प्रश्नों की, फिर की वीडियो भी मिलते हैं, पैड क्लास में लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लासे भी मिलती है, ठीक है। नील गाय की आंखें बताना 87 नंबर के क्वेश्चन में, आपको बताना है कि सर नील गाय की आंखें नम है, कैसी है, नम है, अपन बोलते कि नम आंखों से विदाई दी, तो नम से, नमिता से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, नमिता से बी नंबर आपका सही है। वैलेंटाइन डे कहानी संग्रह है, वैलेंटाइन डे बताइए, वैलेंटाइन डे आ गया, उषा किरण खान चयन करिए, कमल कुमार, नासिरा शर्मा या फिर कुसुम चतुर्वेदी, वैलेंटाइन डे बता दो जल्दी से 88 नंबर के क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया। बोले सर अब की बार वैलेंटाइन डे के दिन क्या करेंगे, गुलाब का फूल नहीं कमल का फूल लेके जाना, कमल ले जाना कमल कुमार। वैलेंटाइन डे को क्या करोगे, गुलाब नहीं कमल, ठीक है, तो कमल से क्या बनेगा बी नंबर, ठीक है, कमल लेके जाना आपकी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कमल कुमार इनका दोस्तों, इनका कहानी संग्रह है, बी नंबर आपका क्या लेके जाओगे, कमल, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर देखो क्रौंच बध तथा अन्य कहानियां संग्रह, इसकी लेखिका कौन है, 89 नंबर का क्वेश्चन है। क्रौंच बध कई बार पूछा गया दोस्तों पहले, ये कहानी संग्रह, ठीक है, चयन करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर पिंकी शर्मा जी, नीलम जी, आनंद जी, सभी लोग बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 89 नंबर का क्वेश्चन में आपका उत्तर है कि सर क्रौंच बध रीता शुक्ला है ना, क्रौंच का बध हो गया तो रीता शुक्ला, रीता लिखना है, रेता में गिर गया, रेता, ठीक है, ये नंबर क्रौंच का बध, आपने दोस्तों शायद कहानी पढ़ी होगी, ठीक है। यहां पर प्रेम जी, ये नंबर राइट आंसर, बहुत बढ़िया है ना। अबाबील की उड़ान 90 नंबर, अबाबील की उड़ान बताइए, दारसू जी बताइए, अबाबील की उड़ान, पूजा पटेल जी, रिया यादव जी, अबाबील की उड़ान, सरा राय, गीतांजलि श्री, मुक्ता या फिर जया जादवानी, बहुत अच्छा, 90 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, 90 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग आंसर क्या बता रहे हैं, अबाबील की उड़ान। अब अबाबील की उड़ान होगी तो कैसी होगी, सरा राय है ना, सरल होगी, अबाबील की उड़ान कैसी, सरा राय, ठीक है, तो ये सारा राय याद कर लेना, ए नंबर, अबाबील की उड़ान हो रही, उड़ान में तो सर सरा राय, ठीक है, तो याद कर लेना है। केयर ऑफ स्वागत घाटी बताइए, कहानी संग्रह, इसकी लेखिका कौन है, केयर ऑफ स्वागत घाटी दोस्तों, इसे स्वागत घाटी करेंगे अपन, 91 नंबर का क्वेश्चन है, 91 में उत्तर क्या जा रहा है ना, तो आपको पता है, बोले जो कुल के श्रेष्ठ होते हैं वो केयर ऑफ होते हैं और उनका स्वागत करते, स्वागत, तो केयर ऑफ स्वात घाटी ये मनीषा कुल श्रेष्ठ, इनका कहानी संग्रह है, बी नंबर आपका सही है, बी नंबर केयर ऑफ स्वात घाटी, बी नंबर आपका राइट आंसर चला जाएगा। सभी साथी लाइक जरूर कर देना दोस्तों, शेयर कर देना इस सेल्फ स्टडी क्लासेस में। शहर में अकेली लड़की कहानी संग्रह, नए कहानीकारों की दोस्तों यहां पर कहानी अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लेखिकाओं की कहानी पढ़ रहा है, जो आज तक आपने नहीं पढ़ी है ना, जो दोस्तों आपकी पूछ ली जाती है तो आप लोगों से नहीं बनती। शहर में अकेली लड़की कहानी संग्रह की लेखिका कौन है, उर्मिला श्री से, मधु काकरिया, लवलीन या फिर मुक्ता, 92 नंबर के क्वेश्चन में। सभी लोग बताएंगे कि सर उर्मिला है ना, अपन ने वो गाना नहीं सुना,
उर्मिला। बोले सर उर्मिला शहर में ऐसी अकेली लड़की है, उर्मिला, ठीक है। ते उर्मिला ए उर्मिला गाना सुना है सभी लोगों ने कि नहीं सुना? सुना होगा। तो शहर में अकेली लड़की है कौन? उर्मिला। तो उर्मिला सीरीज की एक कहानी है, शहर में अकेली लड़की। क्वेश्चन आता है कि शहर में अकेली लड़की कौन? बोले उर्मिला। उर्मिला ये नंबर, बहुत बढ़िया। गाना सुना है सभी लोगों ने, बहुत बढ़िया। तालाबंद, तालाबंद बताइए, तालाबंद कहानी संग्रह 93 में, तालाबंद बताइए, तालाबंद है 93, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए, है ना। बोले तालाबंद है, ताला में एक हथौड़ा मारो, ताला को छिति मिति कर दो, अपन बोलते ना छिति मिति कर दो, है ना, छिति मिति कर दो, तो छिति से बनेगा क्षितिज शर्मा। ताला बंद है, एक हथौड़ा मारो, बोले चाबी नहीं है, तो छिति मिति हो जाएगा, छिति, छिति से क्या हो जाएगा, क्षितिज शर्मा। ताला बंद है, हथौड़ा मारो, छिति मिति हो जाएगा, छिति से छिति, क्षितिज शर्मा। ये नंबर सही। किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए जल्दी, राइट आंसर बताइए फटाफट से, फटाफट बताइए। यहां पर 94 नंबर का क्वेश्चन है, 94 नंबर का क्वेश्चन, सभी लोग बताइए, चयन करिए। किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से चयन करिए। प्रीति जी, अमरदीप जी, किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है? बहुत बढ़िया, ठीक है, राइट आंसर बता। नेहा कुमार जी, 94 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर क्या जा रहा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है दोस्तों। किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है? वो कहा जाता है श्रीकांत वर्मा, ठीक है। बी नंबर, श्रीकांत वर्मा की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कान में, कान में ब्रेन ट्यूमर हो गया, बोले कान में, कांत, कांत कान में क्या हो गया? ब्रेन ट्यूमर हो गया, बोले सर कान में, कान से श्रीकांत, श्रीकांत अपन को याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद छह कहानी किसने लिखी है? 95 नंबर में छह बताइए, छह का चयन करना, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, मन्नू भंडारी, चित्रा मुद्गल। 95 नंबर का क्वेश्चन है, छह बताइए, छह कहानी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर है कि सर मन्नू भंडारी की कहानी है, छह कहानी किसकी है? मन्नू भंडारी, ठीक है। ये मन्नू भंडारी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक तो कर देना दोस्तों, अब लोग कंजूसी करते हो, इतनी नई नई कहानी हम आपको लेकर के आए हैं। 96 नंबर, बोलने वाली औरत, बोलने वाली औरत कई बार मैंने आपको याद करवाया, कुछ नई है, कुछ दोस्तों बीच बीच में अच्छी कहानियां हैं जो आपने पढ़ी हैं, मतलब क्लास इंटरेस्टेड होती गई, है ना, आप बोरिंग नहीं हुए कि नई कहानी आपसे नहीं मर रही तो आप बोरिंग होते हो, यहां पर आपकी इंटरेस्टिंग क्लास होती गई। बोलने वाली औरत, बोलने वाली औरत बताइए, ये कहानी आपने कई बार पढ़ी है, अब आपने पढ़ी है तो चयन करिए 96 में। दोस्तों रोज आपको जुड़ना है सेल्फ स्टडी क्लासेस में, ठीक है, और आपको दोस्तों इससे आप जुड़ोगे तो आपकी प्रैक्टिस, अपार प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। बोलने वाली औरत 96 नंबर में, जिनको भी एडमिशन लेना है तब आपका उत्तर है, बोले सर जब हमारी ममता कालिया बन जाती ना तो वो बोलने वाली औरत, बोलने वाली औरत कालिया बन जाती है, बोलने वाली औरत क्या बन जाती है? कालिया। तो कालिया से क्या बनेगा? ममता कालिया, बी नंबर। बोलने वाली औरत, बोले सर कालिया बन गई ममता कालिया, बी नंबर, ठीक है। आप लोगों के साथ भी होता होगा ऐसा, बोले सर कभी कभी बेलन भी पड़ जाते हैं जब ममता कालिया बन जाती तो, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर प्रति प्रेत योनी, प्रेत योनी कहानी एक इसकी है 97 नंबर के क्वेश्चन में। मोहित जी बताइए, रुद्र जी, रेखा जी, प्रेमांशु, दीपिका जी, वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों इस सेशन से, अगर आपको रोज जुड़ना है, रोज प्रैक्टिस करना है तो रात्रि 9 बजे सेल्फ स्टडी क्लासेस में आ जाइए, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो। प्रेत योनी कहानी की लेखिका कौन है? चयन करिए, मृदुला गर्ग है, दीप्ति खंडेलवाल है, चित्रा मुद्गल या फिर नासिरा शर्मा है। 97 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, और बोले सर प्रेत योनी का हमें चित्र बनाना है, प्रेत योनी का चित्र, तो चित्र से क्या बनेगा? चित्रा मुद्गल, बी नंबर आपका, चित्रा मुद्गल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्लीन चिट, क्लीन चिट 98 में, क्लीन चिट कहानी संग्रह की लेखिका, क्लीन चिट मिल गई 98 में, क्लीन चिट किसे मिल गई भैया? चयन करिए जल्दी से, है ना, जल्दी से बताइए फटाफट से, चयन करना है फटाफट से। रीता जी, क्लीन चिट, क्लीन चिट किसे मिल गई? बोले सर योगिता यादव को क्लीन चिट मिल गई, क्लीन चिट। तो ये योगिता यादव, ये योगिता यादव की दोस्तों कहानी है क्लीन चिट, ठीक है, क्लीन चिट याद कर लेना। अरविंद जी, ये किसकी है? दीपिका जी, क्लीन चिट कहानी
योगिता यादव, यानी कि आपका सी नंबर क्लीन चिट, ठीक है। गली दुल्हन वाली, गली दुल्हन वाली बताओ 99 नंबर में, गली दुल्हन वाली। शरद सिंह, कुसुम खेमानी, मीरा कांत, अलका सिन्हा, गली दुल्हन वाली 99 नंबर में। तो बताइए दुल्हन वाली गली है ना, बताओ राइट आंसर। ये बोले सर मीरा, मीरा दुल्हन, मीरा कांत याद कर लेना, सी नंबर आपका सही है। दुल्हन वाली गली में मीरा, मीरा बोले सर दुल्हन वाली गली से गुजरती है मीरा कांत, मीरा कांत अपन को याद करना है, ठीक है। आपका मीरा कांत सी नंबर। जोड़ बाकी कहानी संग्रह की लेखिका कौन है दोस्तों? इतने बढ़िया सेशन से आप लोग जुड़े हैं, सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े हैं, नए नए प्रश्न भी आपके आ रहे हैं और आपसे बढ़ रहे हैं बहुत सारे प्रश्न। ऐसे प्रश्न भी आपको रोज निरंतर लाए जाते हैं, क्यों ना दोस्तों आप सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़ जाएं, है ना। जिनको भी दोस्तों पढ़ना है और इसी प्रकार से अध्ययन करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस के, जिनको भी नोट्स मंगवाना है ना, हिंदी साहित्य के दोस्तों 1-3 हजार क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है 599 में, है ना। एक विस्तृत अध्ययन है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का, कई पुस्तकों का निचोड़, साथ में ट्रिक भी है ना, वो भी आप परचेस कर सकते हो। साथ ही अगर एडमिशन लेना तो मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हो, संपर्क कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर आता है कि जोड़ बाकी, जोड़ बाकी 100 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपका उत्तर है कि सर जोड़ बाकी है शशि प्रभा, शशि और प्रभा का जोड़ बाकी है, शशि और प्रभा का क्या बाकी है, जोड़ बाकी है। बहुत अच्छा है ना, ये नंबर सही है। कहानी का चैप्टर अपना खत्म हो गया, अब अपना चैप्टर दोस्तों नाटक का चैप्टर चालू होगा, नाटक का चैप्टर चालू होगा। इसके पहले की दोस्तों जिनको भी वीडियो देखना है मैंने प्लेलिस्ट बना दी है ना, चैनल में प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना तो मैंने इसके पहले की पूरी टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बना दी है, सो आप सभी साथी अभ्यास भी कर सकते हो, ठीक है। इतना तो दोस्तों आप लोगों के लिए हम करते हैं, अब आप लोगों का भी तो कर्तव्य है कि सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार को आगे बढ़ाएं, सदस्यों को जोड़ें, है ना। सेल्फ स्टडी मतलब स्वयं की स्टडी है ना, पराया मत समझना इसको, पराया मत समझना भैया, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस आप लोगों के लिए सदा निरंतर दोस्तों प्रतिबद्ध है ना। आप लोग अध्ययन करिए और इतना सारा अभ्यास दोस्तों कहीं कोई भी क्लास कोई भी चैनल पर आपको नहीं करवाएगा, आप लोग देख लेना और आप लोग खुद मुझे बता देना। संजय, रेखा, राजरानी, प्रियंका जी, रेखा जी, ठीक है, दीक्षा जी, अमरदीप जी, जिनको भी एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर ले सभी साथी, ठीक है। और एक ही जी, अर्षदीप जी, अनीता जी, संजय जी, ठीक है, कीर्ति जी, राजू जी, परमिंदर जी, जानवी जी, इट्स आर एच जी, तनु जी, राजरानी जी, रेशु जी, वंदना जी, आरती वर्मा जी, रागनी जी, आशीष जी, ठीक है, गुड जी, बहुत बढ़िया, रेशु, शिल्पा जी, ठीक है, बिट्टू सिंह जी, पुष्पा जी, वंदना जी, अनुराग जी, रेखा जी, डीवी गैमर जी, चयन करते रहिए, अध्ययन करते रहिए, जसमेल, शिल्पा जी, ठीक है, रेखा जी, सत्येंद्र जी, अनीता, सुनील तिवारी जी, सभी को, साथियों को धन्यवाद दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस को पढ़ाने बढ़ाने के लिए, आप सभी साथियों का बहुत सहयोग और आभारी रहूंगा कि आप लोग दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं, निरंतर अभ्यास भी कर रहे हैं, ठीक है। नीतू जी, आप लोग अभ्यास करें, हम आपके सहयोगी बनेंगे दोस्तों, ठीक है, आप लोग अभ्यास करें। कहते हैं ना कि तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लोग संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। मनीषा जी, पुष्पा, ममता जी, राजीव जी, कमला, कांत जी, रंजीत जी, सतीश जी, तो दोस्तों एक छोटी सी फीस रखी गई आप लोगों के लिए, अगर आपको एडमिशन लेना है तो मात्र 1500 की फीस रखी गई है ना, ज्यादा 5-5, 10-10 हजार फीस नहीं रखी गई। और निरंतर अभ्यास और निरंतर विश्वसनीय दोस्तों संस्थान, सीधा सीधा संपर्क सुमित जैन सर से, अर्चना, अर्चना जी, सत्या जी, रोशनी जी, ठीक है। तो आप लोगों को अध्ययन करना है दोस्तों, इसी प्रकार से निरंतर आगे बढ़ते रहना है और अपने साथियों मित्रों के साथ सभी लोगों को लेकर के आना है। सभी साथियों को, अनुज जी, सतीश आर जी, दासु जी, बिंदु जी, ठीक है, ममता जी, एके जी, बीनू जी, अनुज जी, रीमा जी, रवि जी, अपना टाइम जी, ठीक है, मेधा जी, कल्पना जी, ठीक है, गौतम बुद्ध जी, मंजू जी, रेखा रानी जी, कृष्णा जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बालमुकुंद भारती, नेहा जी, मनीषा गिल जी, जय हिंद।